हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूँ। तो दोस्तों, बुरा ना माने इसलिए हमें कहना पड़ता है कि सहारा इंडिया 10 साल से निवेशकों को पीड़ित कर रखा है। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो ये न्यूज़ आई है, 2 दिन पहले हमने डाली थी, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश सही तरीके से अपलोड नहीं हो पाई। तो दोबारा ये न्यूज़ आपको देनी पड़े है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भाइयों तक ये नहीं पहुंच पाई। पूरी न्यूज़ क्या है, आइए दोस्तों सुनाते हैं। ये पूरी न्यूज़ भास्कर न्यूज़ नेटवर्क से है, जो 7 फरवरी 2020 को हमारे पास आई थी। न्यूज़ में लिखा है कि श्रीगंगानगर सहारा इंडिया के मालिक और कंपनी के कर्मचारियों पर धोखाधड़ी के 2 मुकदमे कोतवाली में दर्ज किए गए हैं। पहले मामले में श्री करणपुर के निकट एक एस निवासी हरमेल सिंह पुत्र दलवीर सिंह समरा ने अदालत में इस्तकाजा पेश किया था। इसमें परिवादी ने बताया है कि उसने सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 2009 में FD कराई थी। वह 2012 में परिपक्वता राशि पूरी हो गई थी, उनकी मैच्योरिटी अवधि पूरी हो गई थी, और इस पर कंपनी के श्रीगंगानगर स्थित पदाधिकारियों ने राशि परिवादी को लौटाने के बजाय नई स्कीम में 10.5% ब्याज दर पर बताकर वापस निवेश करने को कहा। जहाँ दोस्तों, ये 2012 का केस था, जो 2009 में पूरी होने के बाद इसे 2012 में फिर कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ पर 10.5% ब्याज दर देने का एक लुभाव दिया गया। लुभाव की खातिर परिवादी ने आरोपी के झांसे में आकर, यहाँ दोस्तों जिस पर ये मुकदमा दायर किया है इन्होंने, उसको कह रहे हैं कि आरोपी के झांसे में आकर सारा रियल इस्टेट कॉरपोरेशन में जमा करा दिया। इस स्कीम में भी 5 साल पूरे हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये स्कीम जो 2012 में की गई थी, इसके भी टाइम पूरा हो गया, और पूरा होने के बाद परिवादी ने को रुपया नहीं लौटाया। परिवादी ने इसे कंपनी के मालिक सुब्रत राय और श्रीवास्तव भूपेंद्र सिंह और AK चतुर्वेदी और अर्जुन सिंह और प्रशांत वर्मा पर रुपया ऐंठने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। सभी आरोपी कंपनी में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। ठीक ऐसा ही मामला 36F निवासी अमृतपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जट सिंह ने अदालत में दिया इस्तगासे में बताया। यहाँ दोस्तों एक दूसरा यहाँ पर शुरू हो जाता है, उनका भी यही मैटर है। उन्होंने बताया कि इनकी जांच ASI लाल बहादुर को दी गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों मुकदमों की जांच की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसकी जांच की जा रही है और इस पर अभी कार्रवाई चल रही है। अभी इसका कोई फाइनल रिजल्ट हम तक नहीं आएगा, नहीं आया अभी, और जब आएगा तो आप तक बताया जाएगा कि इसमें क्या, परिवादी के मैटर में इस पर क्या फैसला सुनाया गया। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।